हाय हेलो, आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी पेपर। एसएससी बोर्ड, हमें 80 मार्क्स लाना है उसमें से। इस वीडियो में हम व्याकरण देखेंगे, 8 मार्क्स के लिए आता है, 8 to 14 मार्क्स, ऑल ओवर 14 मार्क्स। उसके पहले सिलेबस देखिए, पेपर पैटर्न कैसे होता है। पहला प्रश्न में गद्य पर आते हैं, लगभग 64 पृष्ठभाग तक गद्य अपनी बुक में से आते हैं। कहानी, निबंध, एकांकी, विज्ञान, पर्यावरण, हास्य व्यंग्य, यात्रा वर्णन, पद्य 200 पंक्ति में लिखना है, कविताएं, मध्ययुगीन, आधुनिक, स्थूल वाचन। फिर आता है व्याकरण, रचना निबंध, निबंध आता है, वर्णात्मक, कालनात्मक, आपको ये सब लिखना है। अभी तक आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, तो खाली प्रैक्टिस के लिए हम ये वीडियो देखेंगे। व्याकरण 8 मार्क्स के लिए आए, 2022 का ये पेपर है। इसमें एक एक मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वही उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम इस वीडियो में। ऐसे प्रश्न है, 2 मार्क्स के लिए आया है वाक्य परिवर्तन, एक वाक्य। पहले स्टार्टिंग करते हैं संज्ञा से, संज्ञा कैसे आती है। 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है। संज्ञा 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मुंबई, टैक्सी से हम मुंबई पहुँचे। मुंबई क्या है? व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा स्थान का या वस्तु का ज्ञान होता है। जातिवाचक, किसी प्राणी, स्थानी, वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। गाय, सचिन ने एक जर्सी क्या है और गाय जाति है, खरीदी, जर्सी नाम है। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण अथवा अवस्था या फिर दशाला बोध कराने वाला वाले शब्द। कुत्ते, बेदर्दी से कुत्ते को पीटा, भाववाचक शब्द, बेदर्दी, भाव निकल रहा है वहाँ से। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। घी, द्रव्य, घी, धूप, दही, डालडा, तेल, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सर्वनाम, अभी सर्वनाम 1 मार्क्स के लिए आता है। सर्वनाम का 6 भेद है। वाक्य, जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदलने होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के लिए विषय बोला या लिखा जाता है उसी नाम के बदले आने वाला सर्वनाम। मैं हूँ, मैं, हम, तुम, आप, हो, हम सब, तो ये पुरुषवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अनिश्चित सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, कोई तुम्हें बुला रहा है, अनिश्चित है। वह मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, वह मेरी जान है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई बोला तो अनिश्चित हुआ। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कर्ता के साथ अपना नाम बताने के लिए आता है, ये सर्वनाम है।
विशेषण, सर्वनाम के विशेषताएं बताने वाला शब्द, विशेष भेद। गुणवाचक विशेषण, मूर्ख, गुण है उसका। जो संज्ञा सर्वनाम गुण दर रूप रंग आदि लाभोध कराते हैं, रहमान बड़ा मूर्ख है। संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम ही संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द। 2 घंटे के बाद राहुल घर पर चला गया। 2 संख्यावाचक वाचक विशेषण, परिणामकारक विशेषण। सर्वनाम मात्रा या बोध करने वाला शब्द। आपकी चाय कितनी कितनी, सर्वनाम परिणाम कितनी परिणाम। सर्वनाम विशेषण, हमारी तुम्हारी आपकी उसकी, ये सर्वनाम विशेष है। जो सर्वनाम विषय वाक्य के विशेष विशेषण में कार्य करता करते हैं। अव्यय शब्दों के भेद, इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों का सव्यय अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जिससे परिवर्तन ना हो। अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण जो अव्यय क्रिया का विशेषता बताता है। धीरे धीरे, मैंने धीरे धीरे आँख खोली। करामत कल भूत सोया। भूत समुच्चय बोधक अव्यय, 2 वाक्य या 2 शब्दों को जोड़ने वाला अव्यय। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय होता है। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और समुच्चय क्योंकि, ये शब्द जिसे जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। संबंध बोधक, संबंध की ओर, से के की, ये शब्द जिस संज्ञा वाक्य में आते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का सर्वनाम का संबंध वाक्य शब्दों के साथ जोड़ता है। के, से के की, अशे शब्द। कृति पूर्ण कीजिए। इसमें संधि से प्रकार शब्द दिया नहीं दिया था। अंत चेतना ये दिया था क्वेश्चन में। अंत चेतना का शब्द वह है अचेतना, अचेतना। विसर्ग संधि है अंत चेतना प्लस होता है इसमें अचेतना, विसर्ग संधि है। ओके, तो क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आया है। आपको 1 मार्क्स के लिए पूरा करना है। संधि के प्रकार हम देखने वाले हैं। सज्जन, सतजन, सतजन, उसे ऐसे बाइफिक्रेट करना है। संधि विच्छेद करना है। सज्जन का सतजन ऐसे विच्छेद करिए। ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। सहायक क्रियापद, संधि संधि के देखते हैं। संधि प्रकार कैसे होते हो? मुहावरे, कारक, को कार्य, विरनाम, ये सब हम देखने वाले हैं। उसके पहले हम देखते हैं सहायक क्रिया पर। सहायक क्रिया जिसे कहते हैं जो क्रिया कुछ विशेषण भाव अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया के साथ सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। बच्चे रेत में खेलने लगे, लगे पड़ेगा ये सहायक है ना। मुझे इस दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, ये सहायक क्रियापद है। तो इसे लगे और पड़ेगा ये सहायक क्रिया है। इसके भी हम कुछ शब्द देखने वाले हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं का कार्य न करके किसी अन्य कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है या तो अन्य से कार्य करवाता है। मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थ, द्वितीय प्रेरणार्थ, मिलना, मिलाना, मिलवाना, अन्य कार्य करवा रहा है, मिलवाना, अन्य को मिलवा रहा है।
लिखना लिखाना लिखवाना दूसरे को लिखवा रहा है, जीतना जिताना जितवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। ये समझ में आए तो अपने वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, टेंट वाले स्टूडियो को ये वीडियो जरूर भेज दीजिए। यह सुबह सुबह बड़ी मात्रा मछलियाँ कटी गई इकड़ी गई पड़ी सहायक है और गई सहायक क्रिया है। इस सहायक क्रिया है और देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, पहला क्या है फैलना, तो उसका फैलाना और फैलवाना, वाना वाना करे ना ना करे। तो पहला प्रथम आता है लिखना लिखाना और लिखाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। ये एक मार्क्स के लिए आता है और ये एक मार्क्स के लिए हमें यहाँ दो मार्क्स मिल जाते हैं। मुहावरे, मुहावरे भी एक मार्क्स के लिए आता है, दो मार्क्स के लिए आता है। आंखें खुल जाना, सच्चाई की सच्चाई का पता चल जाना, कवि के घर की हालत देखकर छापा मारने वाले आंखें खुल गई, सच्चाई का पता चल गया। गला भरना, आवाज़ भर आना, हाथ थामना, सहारा देना, कोरा जवाब देना, साफ मना कर देना, देश में आना, आवेश में आना, जेल दिली होना, काफ़ी खर्चा होना, जेब काफ़ी खर्चा होना। तो इसके अर्थ है, मुहावरे है, कुछ ये हम और नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, तब तक इतना प्रैक्टिस करिए। और अभी कारक शब्द, कारक शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के वाक्य में अन्य रूप के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के नाम विभक्ति लक्षण और उदाहरण। कर्ता कारक है, विभक्ति है ने लक्षण क्रिया को करने वाला। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, ने क्या है विभक्ति है, कर्ता कौन है सुरेश है, तो ये कारक है। कर्म, कर्म को विभक्ति को होती है, जिस प्रकार क्रिया का प्रभाव पड़ता है। पिता ने पुत्र को बुलाया, को क्या है विभक्ति, पुत्र क्या है कर्म, पुत्र को कर्म कर्म करवा कर। करण से क्रिया के साधन के अर्थ में, करण हम आँखों से देखते हैं, आँखों से क्या है करण से विभक्ति है। तो इसी प्रकार हमें ये कारक ढूंढना है और उसे लिखना है। संप्रदान अपादान संबंध, संप्रदान को के लिए ये संप्रदान है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। हरि मोहन के लिए मिठाई लाई, के क्या है विभक्ति और मोहन क्या है संप्रदान। अपादान से, अपादान में से आता है किसी वस्तु के अलग होने का भाव। पेड़ से फल गिर गया, एक आदमी अपने बीबी से अलग हो गया से। संबंध का के को रा रे री अन्य शब्द के साथ संबंध को, संबंध का बोध होता है। यह महेश का घर है, संबंध महेश का, मेरा तेरा का आएगा तो संबंध हो जाता है यहाँ पे का के रो। अधिकरण में पर क्रिया के आधार के रूप में, सिंह वन में रहता है, ये क्या है वन में क्या है अधिकरण। संबोधन हे अज्जी आरे आहो, किसी को पुकारने के लिए अर्थ में, अरे लड़के इधर आ, अरे किसी को पुकार रहे हो, आजी इधर आओ, अरे जाओ, हे आ जा इधर, आहो लेके जाओ। तो ये संबोधन है, एक कारक शब्द है, इसे याद रखना है हमें। एक मार्क्स के लिए ये भी आता है।
अभी विराम चिन्ह हमें ये चिन्ह दिया है, किस प्रकार के चिन्ह होते हैं उसे याद रखना है। पूर्ण विराम का चिन्ह देखो कैसे होता है, अल्प विराम होता है ऐसे, अर्ध विराम दो टिब्बक होते हैं, प्रश्न चिन्ह पता है सबको, प्रश्न ऐसे होता है, योग चिन्ह होता है योजक, विस्मय सूचक चिन्ह ऐसे होता है, विस्मय सूचक चिन्ह कैसे होता है ऐसे ही। लास्ट में ये जो आता है पूर्ण विराम, और ये यहाँ पे जो है अल्प विराम, और ये अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर आता है योजक चिन्ह, ये कौन सा है पूर्ण विराम, और विस्मय, जाने दो बेटी छोड़ो दो, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। तो इसे ये चिन्ह याद हमें रखना है, ये भी चिन्ह एक मार्क्स के लिए आपको पूछा जाने वाला है, याद रखिए। यहाँ तक हुआ था हमारा, ये देखो ये दो चिन्ह जो दिख रहे हैं उसे इखरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं, इखरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह ये होता है, दोहरा उदाहरण चिन्ह ये ऊपर वाला जो होता है ना, इसे दोहरा उदाहरण चिन्ह बोलते हैं, विवरण चिन्ह ये विवरण चिन्ह है याद रखिए, कोष्टक चिन्ह ये होता है कोष्टक चिन्ह, ये भी याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्रिया के काल, अभी काल भी एक दो मार्क्स के लिए पूछा जाता है, याद रखिए। सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल राम फल खाता है, सुजय फल खाता है, सामान्य भूतकाल राम ने फल खाया, सामान्य भविष्यकाल राम फल खाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल राम फल खा रहा है अपूर्ण है, रहा है ना अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल राम फल खा रहा होगा क्या है अपूर्ण भूतकाल, खा चुका खाया भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल राम ने फल खाया है वर्तमान खाया है, वर्तमान काल में खाया है उसने, पूर्ण भूतकाल राम ने फल खाया होगा बोला है भूतकाल में आता है। तो ये क्रिया की काल हमें याद रखना है, अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। वाक्य के भेद को पहचानना है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य किसी क्रिया के होने या करने की सूचना को उसे विधानार्थक विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू कर किया था विधानार्थक किया था, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई, विधानार्थक किया, यहाँ से सर्दी अच्छी है विधान कर रहे। फिर आता है निषेधार्थ वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, निषेध होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे कि पहले हम उधर की चिंता नहीं आता है निषेधार्थक, नहीं आएगा जिधे वह वो क्या वाक्य होता है निषेधा वाचक वाक्य होता है। फिर आता है प्रश्नार्थक, जहाँ भी क्वेश्चन होता है प्रश्न होता है उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। फिर आता है आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे
रचना का दृष्टि वाक्य से तीन भेद रहते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया को सरल वाक्य कहते हैं। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, सरल वाक्य। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, सरल वाक्य। सामाजिक समता का प्रश्न एक ही मुख्य वाक्य है ये, इसलिए सरल वाक्य। और अभी संयुक्त वाक्य कैसे होता है, देखो इसमें संयुक्त वाक्य में और, परंतु, तथा आदि से जुड़े हुए रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखो तथा, जहाँ पे भी तथा आएगा वो संयुक्त वाक्य होता है, ये याद रखना। और, परंतु, करंतु होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर आता है परंतु, इधर आया ना ये संयुक्त वाक्य। फिर आता है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य के प्रधान और शेष अशित उपवाक्य को उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं वह बोर नहीं बेचूंगा, बोर जो मेरा, जो आया यहाँ पे, उसने आया, जो उसने, ये आएगा, ये जो शब्द आते हैं उसे क्या आते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, निम्नलिखित वाक्य में आधुनिक शब्द का भेद, शब्द भेद पहचान कर लिखिए। श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आदमी कम है, ये कौन सा वाक्य है? मजदूरी एव, एव आता है ना, एव, एव कौन सा शब्द है? तो इसे हमें पहचान कर लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग कीजिए। वाह वाह, क्या सुंदर डांस किया है, ऐसे लिखना है। मैं मेरे माँ के साथ एग्ज़ाम चला गया। तो ये वाक्य बनाना है यहाँ पे इसका। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। एव जो है अधोरेखित शब्द, किस शब्द वाक्य में आता है, इसका आंसर करेंगे तो मैं समझूंगा आपने पूरा वीडियो देखा है और आपका आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही रुकते हैं, ऐसे ही वीडियो और पढ़ाई करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।